मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। देखिए, ये रूट जो है ना, रूट यही करनी है, और घातांक मतलब पावर। जैसे आप देख लेंगे, चार के पावर तीन दे दिया, यही चार का घात हुआ तीन, ठीक है। अब एक बात आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कि रूट अंडर 36 है ना, तो 36 का वर्गमूल कितना लिखते हैं? 6 लिखते हैं। देखिए, आपको यह बात पता होगा कि इसमें दो छिपा हुआ रहता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दो है, ये बंसी वाला जो भाग है करनी, इसमें दो रहता है। अगर ये 49 हमने लिखा है, इसका मतलब है ये, देखिए इसको दो को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये छुपा हुआ रहता है। 49 को आप 7 × 7 लिख सकते हैं, है ना। इन दो एक जैसे संख्या में से एक बाहर आ जाता है ना। लेकिन अगर यही आपका 27 है और ये रूट लगा हुआ है तो कितना आएगा? तो 27 में क्या होता है कि तोड़ते हैं इसको, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ऐसा होता है नहीं। तो दो एक जैसा में से एक बाहर आएगा, जबकि इसका जोड़ीदार नहीं है, तो ये बेचारा अंदर रह जाएगा, 3√3 हो गया। नहीं, 27 का वर्गमूल कितना हो गया? 3√3 हो गया। अब आइए जरा बात करते हैं, उसी तरह अगर हम 8 का वर्गमूल आपसे कहें तो आप कहेंगे, सर 8 होता है 4 × 8, या 2 × 4 × 8 ऐसे भी कह सकते हो, 2 × 4 × 8। इस दो एक जैसी संख्या में से एक बाहर आएगा और एक अंदर रह गया, नहीं, क्योंकि इसका जोड़ीदार नहीं है। अगर रूट अंडर 20 है तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया? आप इसको कहोगे, सर 4 × 5 = 20 हुआ, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 5 अंदर रह गया, 2√5 कह सकते हो। अब जस्ट इसका उल्टा समझो, इसका उल्टा क्या समझोगे ये समझो। अगर मैंने यहां 2√2 लिख दिया और कहा कि इस पूरे को रूट के अंदर कितना लिखा जाए, पूरे को रूट के अंदर, तो याद रहे कि बाहर से कोई भी अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाएगा, अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर। और दोस्तों यहां गुना का संबंध है, ये 2 × √2 है, इस बात को ध्यान देना। और अंदर से बाहर वही जाएगा जब यहां या तो गुना या तो भाग का चिन्ह होगा, तभी जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2 + √2 है और इसको हम इस रूट के अंदर इस 2 को भेज सकते, नहीं भेज सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात आपसे यह कर रहे थे कि अगर ये ऊपर में 2√2 मैंने लिख दिया है, यहां पर इस 2 को अंदर जाना है, तो अंदर जब ये जाएगा ना, तो आसानी से नहीं जाएगा, एकदम ये छिड़िया कहता है कि जब तक हम स्क्वायर नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। तब 2 का स्क्वायर होगा तो 4, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और 4 जाकर 2 में गुना होगा तो 4 × 8, ऐसा होगा। अगर आपको 3√3 लिखा गया था और इस पूरे को एक ही रूट के अंदर अगर आप चाहते हो, तो ये जब भी अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, और अंदर में कोई संख्या है उससे जाकर गुना हो जाएगा। तो 3 × 9 और 9 × 3 कितना हो गया? 27। अगर आपको ये 2√3 दिया हुआ है तो भी इस रूट के अंदर ये बाहर वाला स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए, उसी तरह अगर आपको 3√5 दिया हुआ है, आप क्या करोगे इसको रूट के अंदर अगर लिखना है तो? 3 × 9 और 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45। इसको फिर तोड़ के देखिए, ऐसे ही आ जाएगा। 45 को आप 9 × 5 = 45 लिख सकते हो, 9 का वर्गमूल 3 बाहर में ला सकते हो, 5 अंदर रह जाएगा, 3√5 हो गया। नहीं दोस्तों, लेकिन अगर यही क्यूब रूट रहता है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में क्या है, अगर मान लो 27 है ना, यहां 3 लिखा हुआ है, तो 3 × 3 का पेयर बनाएंगे संख्या का। 27 को आप 3 × 9 और 9 × 3 = 27 है ना, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। नहीं, 3 को एक जैसा संख्या में से एक बाहर आता है। उसी तरह अगर हम बात करें 8 का, तो 8 को आप क्या कहोगे? सर यह है 2 × 4 × 8, ठीक है। अब इसमें से, सॉरी, यहां क्यूब रूट हम दे रहे हैं, ठीक, तब 1 × 2 बाहर आएगा। लेकिन अगर केवल √8 रहता तब तो ये 2√2 ही होता,
नहीं, लेकिन क्यूब रूट आठ है तो दो आ गया। और आप यह कह सकते हो, ध्यान देना, जैसे एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, और एक का क्यूब भी कितना होता है, एक होता है। तो एक जो हुआ ना, यह पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों तरह की संख्या हो गया। इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या भी कह सकते हैं और पूर्ण घन संख्या भी कह सकते हैं इसको। अब प्राकृत संख्या तो यह है ही, पूर्ण घन घन संख्या क्यों कह सकते हैं भैया, क्योंकि इसका घन भी किए हैं और इसका स्क्वायर भी किए हैं। अब दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, और दो का क्यू कितना होता है, आठ। तो देखो क्यू होकर आया है, तो आठ एक पूर्ण घन संख्या, याद रखना पूर्ण घन संख्या है, समझिए, याद क्या रखिएगा, समझने की चीज है। और चार जो है वर्ग होकर आया है, किसका, दो का, ये वर्ग होकर आया है, तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, कुछ पूर्ण घन होती हैं, कुछ तो इसमें से कोई नहीं होता है, और कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग भी होती है और पूर्ण घन भी होती है। जैसे एक, एक का वर्गमूल भी बनाए तो एक, और एक का घनमूल भी बनाए तो एक आ जाएगा, ये पूरा पूरा बन के आ गया। लेकिन आठ का केवल घनमूल यानी क्यूब रूट होगा पूरा पूरा, लेकिन आठ का वर्गमूल नहीं बन पाएगा पूरा पूरा, ये दो रूट दो आएगा, रूट के अंदर आ गया, पूरा पूरा वर्गमूल निकल के नहीं आया। तो ये पूर्ण घन संख्या है क्योंकि क्यूब रूट था पहले, क्यूब रूट करके आया है, ठीक है। अब चलिए, पूर्ण घन का मतलब वो किसी का घन हो चुका हो पहले से, पूर्ण वर्ग का मतलब वो किसी का वर्ग हो चुका हो। अगर आप 64 को लोगे तो 64 को क्या कहोगे आप, 64 कैसी संख्या है, तो 64 ना पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी है, पूर्ण घन संख्या भी है। कहिएगा सर कैसे, तो पूर्ण वर्ग इसलिए है कि ये 8 का स्क्वायर है भैया, 8 का स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग हुआ, और पूर्ण घन इसलिए है क्योंकि ये 4 का क्यूब ही है, तो 64 ये पूर्ण घन हुआ, समझ रहे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अब देखो, याद रहे कि कोई भी संख्या के पावर कुछ नहीं तो हमेशा एक होता है, और याद रहे कि कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक जरूर होता है, ये बात पक्का है। कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो एक, और कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक, और कोई भी संख्या का पावर जीरो तो उसका भी मान एक ही होता है। कोई भी संख्या का पावर जीरो उसका मान एक होता है, कोई भी संख्या के पावर में कुछ नहीं तो एक जरूर है, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक जरूर है। पावर यह इंगित करता है कि वह संख्या कितने बार गुना के रूप में है। जैसे अगर मैंने दो के पावर दो लिखा तो मतलब दो दो बार है गुना में, अगर दो के पावर मैंने तीन लिखा इसका मतलब यह है दोस्तों, दो के पावर तीन लिखा इसका मतलब दो जो है कितने बार है भैया, तीन बार है। अगर आपको तीन का पावर चार लिख दिया इसका मतलब तीन कितने बार है भाई साहब, तीन कितने बार है भाई साहब, तीन चार बार है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, यानी तीन के पावर चार 81 भी होता है, इसको आप लिख सकते हो। अगर तीन के पावर पांच है इसका मतलब तीन पांच बार लिखा जाएगा, और वो भी गुना के रूप में लिखा जाएगा, जोड़ घटाव के रूप में नहीं, ठीक है। तीन के पावर पांच 243 होता है, ठीक है। तीन के पावर पांच मतलब तीन लिखा जाएगा, तीन यहां एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये पांच बार, और तीन के पावर पांच होता है क्या, 243। ये हैंग कर गया था, आपका फोन कभी कभी हैंग करता होगा। सुनिए, इतना बात आप समझ गए हैं, अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि रूट अंडर पांच है, ठीक है, और अगर इसका आप स्क्वायर कर दोगे ना तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन अगर क्यूब रूट पांच है भैया, क्यूब रूट पांच है तो यहां क्यूब करोगे तब क्यूब से क्यूब रूट कटता है, तब ये पांच आ गया, इसमें भी पांच आ गया क्योंकि रूट कट गया। ये होता कैसे है रियल में, ये समझिए होता कैसे है। ये देखिए, ये रूट पांच है, इसका स्क्वायर किया, आपको पता है इसमें कितना छुपा हुआ रहता है, दो। जब आप रूट हटाएंगे तो दो उड़ेगा और पावर के बट्टा में जाकर गिरेगा, यानी पांच के पावर दो पहले से था, ये उड़ेगा और पावर के बट्टा में जाकर गिरेगा। इस दो से दो को एक बार में काट सकते हो
और पांच के पावर एक कितना होता है, पांच होता है। मैथ ना बिल्कुल समझने का चीज है, इसको रटने से नहीं होगा, इसको समझ कर रटने से होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अगर देखिए अगर रूट अंडर सात है और इसका पावर चार है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सात के पावर चार, इसमें वो दो छिपल है, ये उड़ेगा अब पावर के बट्टा में जाकर गिरेगा अगर रूट हटा देते हैं तो चलो यहां आ गया। अब दो से चार को दो बार में काट सकते हो तो सात का स्क्वायर कितना हो सकता है भैया, उनचास हो सकता है। सात का स्क्वायर कितना हो सकता है, उनचास हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसको हम दूसरे तरीका से भी बताते हैं, देखो सात है यहां पावर चार था, आप रूट अंडर सात लिख लो, इसका पावर दो और फिर इसका पावर दो कर सकते हो, चार को दो दूना चार में तोड़ लिया, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा सात का स्क्वायर, सात का स्क्वायर क्या होता है, उनचास होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि रूट अंडर सात है इसका पावर चार है, यानी रूट सात बार, रूट सात जो है कितना बार, चार बार, रूट सात जो है कितना बार आएगा भैया, चार बार आएगा, चार बार आएगा। तो इसमें देखो ये रूट सात गुना रूट सात एक सात, और फिर रूट सात गुना सात कितना, एक बार सात, तो सात सात कितना हो गया भैया, उनचास हो गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसको और समझ लो विस्तार रूप से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बताएं, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये एक ही रूट के अंदर सभी सात को लिख दिया, और आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट है तो दो एक जैसी संख्या में से एक बाहर आएगा, तो एक बाहर आ गया, दो एक जैसी संख्या में से एक बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा भैया, सात सते उनचास हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, आप ना रूट सात गुना रूट पांच है तो आप रूट अंडर सात पचे पैंतीस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को गुना करके लिख सकते हो, रूट सात गुना कोई भी संख्या है रूट में तो आप उसको गुना कर सकते हो। देखो रूट सात गुना रूट सात है तो एक ही रूट के अंदर सत सते उनचास लिख सकते हैं। चलिए तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो रूट सात, सॉरी रूट सात और जोड़ रूट पांच है तो रूट अंडर सात पांच बारह लिखना यह गलत है। ये क्या है भैया, गलत है, आप जोड़ घटाव में अलग अलग वाला को एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ और घटाव में नहीं कर सकते हैं। आप अगर रूट बारह अभागा रूट चार है तो आप इसको लिख सकते हो एक ही रूट के अंदर बारह अभागा चार, चार तिहाई बारह, ऐसे भी लिख सकते हैं रूट तीन, ये बिल्कुल जायज है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए रूट तीन आ जाएगा, इसको अलग तरीके से भी हल करते हैं, देखो रूट बारह है बट्टा कितना है रूट चार है, ऊपर बारह को रूट तीन गुना रूट चार लिख सकते हो, चार तीन बारह, नीचा रूट चार है, रूट चार से रूट चार कट गया, हमारा रूट तीन आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे कि जोड़ घटाव में अलग अलग वाला को एक साथ लिख सकते हैं, सॉरी जोड़ घटाव में नहीं लिख सकते, गुना भाग में लिख सकते हैं। आपके सामने देगा रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वाई, कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, चार ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन ए रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वाई बराबर हो गया रूट अंडर एक्स वाई, तो ये बिल्कुल सही है। आप तो इसी तरह देगा रूट अंडर एक्स भागा रूट अंडर वाई, और इसको लिख देगा कि रूट अंडर एक्स भागा वाई, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई, तो भैया ये बिल्कुल गलत है, ये क्या था सही, ये क्या था सही। आगे देखिए ऑप्शन डी है आपका रूट अंडर एक्स भाग भाग हो गया है घटाव का चिन्ह, रूट अंडर वाई बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वाई, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल गलत है, आप नहीं लिख सकते हैं। अब कैसे नहीं लिख सकते, मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। आपको यह ऐसा संख्या ले लो जिसका वर्गमूल आपको आता है, जैसे 16 9, ठीक है, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9, 16 और 9 कितना होता है 25,
तो क्या यह सही है? देखिए जोड़ मिलाया है ना, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 प्लस 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है ना। अब 25 का कितना होता है? 5। क्या 4 और 3 जोड़ने से 5 होता है? नहीं, 4 और 3 जोड़ने से 7 होता है। अभी बराबर 5 है तो ये बराबर नहीं है, यानी ये बिल्कुल गलत बात है। तो जोड़ घटाव में नहीं लिख सकते। अब देखिए इसको माइनस भी करके देख लीजिए, तो माइनस में भी लाओगे तो भी नहीं सही होगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे होंगे। 16 का वर्गमूल 4 माइनस 9 का वर्गमूल 3। अब लो 25 का कितना हो जाएगा? 5। 25 का कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 1 होता है 5 के बराबर? नहीं होता है, तो गलत बात है। लेकिन अगर इसी को हम रूट अंडर 16 गुना रूट अंडर 9 लिख दे और यहां रूट अंडर 16 गुना 9 लिख दे तो सही है। गुना में सही है, भाग में भी सही है। 16 का वर्गमूल कितना? 4 गुना रूट अंडर 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना? 3 बराबर। यहां 16 नवा 44 से 144 और 144 का वर्गमूल 12। बोलो 4 3 12 होता है ना, तो सही है। यानी गुणा में और भाग में अलग अलग वाला को एक साथ हम लिख सकते हैं। भाग में भी देख लीजिए, रूट अंडर 16 भागा रूट अंडर 9 बराबर रूट अंडर 16 भागा 9 चलेगा। 16 का वर्गमूल 4 भागा हुआ 3 बराबर ऊपर में 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यही तो है ये 4/3, यही तो है ना, ये 4/3 है कि नहीं? तो जायज है ये, है ना। बाकी जोड़ घटाव में लिखना नाजायज है रूट के अंदर। अब देखो जोड़ घटाव में अगर मान लो कि रूट 7 है, रूट 7 है तो इसको जोड़ सकते हो कि दूगो रूट 7 है, लेकिन रूट 7 है। अब प्लस मान लो रूट 5 है प्लस रूट 3 है तो यह ऐसा ही रहेगा, रूट 5 प्लस रूट 3 रहेगा। ये रूट 8 नहीं लिख देना, ये गलत बात है, ठीक है ना। अगर आपका रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 है तो ये 3 बार है तो कहेंगे 3 गो रूट 3, 3 गो रूट 3, ये ठीक बात है, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, अब एक बात आपको अगर मैं बोलूं कि ये 10 प्लस 2 रूट 9 ये क्या होगा, आप बना लोगे? देखो जब रूट पर रूट होता है ना तो अंदर वाला रूट से हम शुरू करते हैं काम करना, ये वर्गमूल बनाना है। जैसे हम कहते हैं 36 का वर्गमूल, तो आप कह देंगे सर 6 होगा, होगा ना, आप कहोगे ना 36 का वर्गमूल क्या कहोगे? 6 कहोगे। लेकिन अब ध्यान दो, 10 प्लस 2 रूट 9 इसका वर्गमूल क्या होगा? तो आप क्या करो, 9 का वर्गमूल निकाल लो 3, 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3, और 3 गुना होगा 2 में, क्योंकि यहां गुना का संबंध है, तो 3 दुना 6, और 6 जुड़ेगा 10 में, तो 10 6 होगा 16, और 16 के वर्गमूल कितना होगा? 4। समझ गए हैं? तो आप ये सवाल मने मने आप बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। देखिए ये 10 हुआ, ये प्लस हुआ, ये 2 हुआ, और 9 का वर्गमूल 3 हुआ। तो अब देखिए ये 10 हुआ और प्लस 3 दुना 6 हुआ, 10 6 हुआ रूट के अंदर 16, 16 का वर्गमूल होता है कितना? दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, अब समझ लो, अब समझ लो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5 प्लस 2 रूट 6, और खूब पूछा गया इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में, आया इस बार खूब आया है 5 प्लस 2 रूट 6। सुनिए अब ऐसे लिखा होगा, 9 का तो वर्गमूल आपको आ रहा था लेकिन 6 का वर्गमूल तो आपको नहीं आता है बनाने, नहीं ना आता है। 6 का वर्गमूल पूरा पूरा कितना होगा ये आपको नहीं पता है। अब देखिए तो 6 का वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 9 रहता, 16 रहता, 36 रहता, 49 रहता, 81 रहता तो आप कर लेते। अब आपको यहां क्या करना है, देखिए जब रूट पर रूट होगा तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 जरूर होगा, कहिएगा 2 नहीं होगा तब, हम कह रहे जरूर होगा, और नहीं होगा तो उकड़ो तरीका है। तो पहले ई सिस्टम सीख लीजिए, ई टाइप है, वार टाइप है, ठीक। तब बताइए जब रूट पर रूट है अंदर वाला रूट के पीछे में 2 भेटा जाए ना, को ऐसे सोचना है कि ऐसा कौन दो संख्या है, पक्का इसी बनेगा हमेशा, ऐसा कौन दो संख्या है कि जिसको जोड़ने से 5 होगा और वही दोनों को गुना करने से 6 होगा, जोड़ने से 5 और गुना करे से 6, कौन ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़े तब 5 और गुना करे तो 6,
आप कहोगे सर तीन आ दू, चाहे आपके मन में आ रहा होगा दो एवं क्योंकि तो तीन आ दो पांच और तीन दो ना छ हो जाएगा ना। अब एक काम करिए, आपको हमेशा बड़ा संख्या पहले लिखना है और छोटी संख्या बाद में लिखना है, बड़ी संख्या पहले लिखना है छोटी संख्या बाद में लिखना है। प्लस है तो प्लस दे देना और रूट है तो रूट लगा देना, बस आपका हो गया आंसर। रूट तीन प्लस रूट दो, रूट तीन प्लस रूट दो। अब सुनो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो आठ माइनस दो रूट पंद्रह, आपका दिमाग अब काम कर रहा होगा। जब रूट पर रूट वो अंदर वाला रूट के पीछे में अगर दो है तो संख्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ये सोचेंगे कि भैया ऐसा कौन दो संख्या होगा, ऐसा कौन दो संख्या होगा जिसको जोड़े तो आठ गुना करे तो पंद्रह, जोड़े तो आठ गुना करे तो पंद्रह। तो आपका दिमाग काम करेगा, ओ हो रुक जाइए, पांच तीन आठ पांच तीन पंद्रह, पांच तीन आठ पांच तीन पंद्रह, तो पांच और तीन लीजिएगा, माइनस है तो माइनस रखिएगा, माइनस है तो माइनस रखिएगा। यहां देखिए रूट लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो गया रूट पांच माइनस रूट तीन, बस हो गया। अब देखिए ऐसे ही सवाल आपसे पूछा गया एक बार, ऐसे करके आपसे कह दिया कि आठ माइनस दो रूट पंद्रह, फिर माइनस कर दे, कर दे कि पांच प्लस दो रूट छ, क्या आप क्या को बना भी पहले तो पांच आ तीन आठ पांच तीन पंद्रह लेंगे, पांच और तीन लेंगे, रूट जरूर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस, इसके लिए तीन आ दू लेंगे, तीन दू पांच हो जाएगा, तीन दू ना छ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, रूट जरूर लगाएंगे, ये हमारा रूट पांच माइनस रूट तीन हुआ, ये माइनस रूट तीन हुआ, माइनस सॉरी माइनस कितना हो गया हमारा दो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस रूट दो, ठीक है, ये माइनस रूट दो हो गया। अब आप देखो तो ये तो माइनस में है दोनों, तो इसको मतलब हमारा ये कहना है कि आप लिख सकते हो रूट पांच और माइनस में दूगो रूट तीन और एगो लिख सकते हो माइनस में रूट दो, ये सवाल हम ऐसी बना लिए, ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, अब एक बार दस प्लस तीन रूट चार, कहिएगा सर यहां तो दू रहता था तो ऐसे करते थे, इसमें भी करेंगे एक तरीका, इसमें देखो ये तो मुहे मुहे बन जाएगा, कैसे, चार का वर्गमूल दो होता है, ये दो गुना होगा तीन में तो तीन दुना छह होगा, और छह जुड़ेगा दस में तो दस छह सोलह हुआ, और सोलह का वर्गमूल आएगा चार, सवाल बन गया, सवाल लिखिए दोस्तों। अगर मान लो यहां कोई और संख्या रहता, और संख्या रहता तब कैसे होता, तो इसको ये तरीका है करने का कि इसको देखो ये दस है ना, प्लस है, यहां दो चाहिए तो इसमें दो से गुना करके दो से भाग लगा दो, बात खत्म है, हैं? देखो ये प्लस ही बाउंड्री हुआ, बाउंड्री के इधर काम किया गया है, दो से गुना दो से भाग। अब आप ऐसे कर सकते हो ये दस प्लस ये तीन को अंदर भेज दो, क्योंकि हमको अंदर वाला रूट के पहले दो चाहिए, तीन को अंदर भेजेंगे तो आपको याद होगा तीन अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, अभी बताए थे तीन का स्क्वायर नौ, नौ चौके छत्तीस, दो इधर रहेगा और अंदर कितना हो गया छत्तीस हो गया, तीन का स्क्वायर नौ, नौ चौके छत्तीस, अब बट्टा कितना है दो, अब ये दो से भिन्न का जो ये दस दूना बीस, तो बीस प्लस दो रूट कितना छत्तीस, अब पूरे के बट्टा अब हो गया दो। अब एक काम सोचिए कि ऐसा कौन दो संख्या है कि जोड़े तो बीस और गुना करे तो छत्तीस, अठारह दो बीस, अठारह दूना छत्तीस, तो अठारह और दो ले सकते हो, प्लस है तो प्लस, और टोपी पहना देंगे नहीं, आई दो तो रूटे के अंदर ना है। अब देखिए इसमें ऊपर में रूट दो कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाता है रूट नौ, चूंकि दो से अठारह में भाग तो नौ बार में रूट है तो रूट, इससे इसको भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा बट्टा रूट दो, ये रूट दो से रूट दो कट गया, बचा रूट नौ प्लस एक, आपका बचा कितना रूट नौ प्लस एक, नौ का वर्गमूल तीन और प्लस एक कितना हुआ चार हुआ। ये हम आपको ज्ञान दे रहे थे, ये ज्ञान दे रहे थे, लेकिन इस सवाल को आप बनाते कैसे, ये तो आपका दस प्लस तीन रूट चार था तो आसानी से आप बना सकते थे, बस चार का वर्गमूल दो आया, दो तीन में गुना हुआ, दो तीन छह हुआ, छह दस में जुड़ा सोलह, और सोलह का वर्गमूल होता है चार, चार आ गया था ना। चलिए
अगर मान लो 8 प्लस 3 रूट 7 है, ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, वही काम करना होगा, यहां 2 से गुना करके 2 से भाग दे देना होगा। तो आपको क्या करना है, ये 8 प्लस 3 गुना 2 रूट 7 अब बट्टा में 2, ये प्लस है तो बाउंड्री है, बाउंड्री के उधर काम हुआ, इतना से गुना इतने से भाग, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो 8 दूना 16, ये हुआ 8 दूना 16, आप प्लस सुनो, इस 3 को अंदर भेजते, 3 का स्क्वायर 9, 9 सते 63, तो 2 बाहर रहेगा, 63 अंदर होगा, पूरे के बट्टा 2 हो गया। अब आप बताओ, आपको इतना बात पता है कि जब रूट पर रूट अंदर वाला रूट के पीछे में 2 तो वर्गमूल बनेगा, कैसे, अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचो कि जोड़े तो 16 और गुना करे तो 63, 9 7 16, 9 सते 63, 9 और 7 ले लेंगे, रूट दोनों पर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, अब बट्टा में देखो 2 भी तो रूट के अंदर है, ये अपना रूट बाहर लेके आएगा। अब आप इसको 3 प्लस रूट 7 अब बट्टा में रूट 2 लिख सकते हो, ऐसे 3 प्लस रूट 7 बट्टा रूट 2, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज और, अगर मान लीजिए कभी ऐसा है कि रूट 7 प्लस रूट 5 है, इसको जानने से पहले एक बात और जानना जरूरी है, वो क्या, एक बट्टा अगर रूट 3 प्लस रूट 2 है, ठीक, इसका परिमेयकरण करना है, तो ऐसे करिए, नीचे से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज करके, बीच का साइन चेंज करिए, ऊपर वाला एक है, नीचे में वर्गों का अंतर लिखिए, वर्ग करने से रूट कट जाता है, थोड़ा देर पहले बताए थे, इसका वर्गों का अंतर करिए, तो वर्गों का अंतर कितना होगा, एक, यानी खत्म, सीधा आपका आया रूट 3 माइनस रूट 2, ये आ गया, ठीक है। एक सेकेंड फिर से समझिए इसको, एक बट्टा रूट 3 प्लस रूट 2 है, आपको क्या करना है कि नीचे से, नीचे में अगर दो गो बिच्छी वाला है, यानी कि दो गो टंगड़ा वाला है, दो गो रूट वाला संख्या हो, या दोनों में से किसी एक पर भी रूट हो, तो नीचे से ऊपर भेजो बीच का साइन चेंज करके, नीचे से ऊपर भेजिए बीच का साइन चेंज होगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर होगा, तो नीचे में दोनों के वर्ग, ये लो दोनों के वर्ग का अंतर करना है, ऊपर में आया रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे में क्या आया भैया, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 3 में से 2 जाएगा, एक, एक न भी लिखते तो काम चलता, एक न भी लिखते तो काम चलता, रूट 3 माइनस रूट 2 हो गया। अब काम समझिए, अब बताइए अगर मैं लिख दूं 2 बट्टा रूट 5 माइनस रूट 3, तो कुछ नहीं, वो ऊपर में है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन होगा चेंज, बीच का साइन होगा चेंज, और नीचे में वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना, वर्ग करेंगे तो रूट रूट कट जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखो सवाल ऐसे पूछा गया, सवाल एक दिन ऐसे भी आया था, क्या आया था कि रूट अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 बट्टा रूट अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 रूट 4 ऐसा, ठीक है। अब आपको ये रूट पर रूट होगा, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होगा, तो वर्गमूल बनेगा, कैसे बनेगा, अपना मन से दुगो ऐसा संख्या सोचना है, दो ऐसा संख्या सोचना है कि जोड़े तो 5 गुना करे तो 6, तो 3 आ 2 5, 3 दूना 6, ठीक है, प्लस है तो प्लस, रूट लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, लगाना चाहते हैं नहीं लगाए करना है, माइनस, तो यही बात तो इधर होगा, सेम चीज है यहां नीचे में, तो इतना दिया गया रूट 3 और प्लस रूट 2। अब देखो ये हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 तो ठीक है ऊपर में, लेकिन ये एक के बट्टा में है ना, तो नीचे में अगर बट्टा के नीचे में दोनों संख्या पर रूट हो या दोनों में से किसी एक पर भी रूट हो, तो नीचे से ऊपर जाएगा बीच का साइन चेंज और नीचे में वर्गों का अंतर, तो नीचे से ऊपर भेजेंगे बीच का साइन चेंज करके और नीचे में वर्गों का अंतर कितना आएगा, इसका इसका वर्ग कर देंगे तो रूट रूट कट जाएगा, 3 दो का अंतर 1 होगा। दोस्तों काम हो गया, ये रूट 3 प्लस रूट 2 है, ये देखो माइनस में रूट 3 हो जाएगा, ये माइनस इसके लिए भी है, तब माइनस माइनस प्लस रूट 2 हो गया। अब बताओ रूट 3 माइनस में रूट 3 प्लस में 0 हो गया, रूट 2 रूट 2, दो गो रूट 2, एगो ऐसा का एगो ऐसा का,
दूगो ऐसा था, समझ गए ना। तो आइए इतना आसानी से हम आपको गणित सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा अपना क्लास पूरे कंप्लीट मैथ का कोर्स जो है अपना धोरीना पर भी स्टार्ट हो गया है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हाँ लाइव क्लास हमारी नहीं चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होता है। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए हम अपलोड करते हैं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, एक फालतू में बात होता है तो बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और शायद मात्र 599 रुपया में एक साल तक के लिए आप कोर्स कर सकते हो अपने धोरीना एप्लीकेशन पर। तो कैसे क्लास ज्वाइन करना है इस वीडियो को अंत में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म धुरीना में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप विपिन सर का जो मैथ का कंप्लीट बैच है उसे बाय कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, आप उसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको सिंपली धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाके, यहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से धुरीना ऐप को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया होगा यहाँ पर आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा लॉगिन का और एक होगा रजिस्टर का। तो आपको यदि आपका पहले से अकाउंट है धुरीना पे तो आपको वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। यदि आपका धुरीना पे अकाउंट नहीं है, आज से पहले आपने धुरीना यूज नहीं किया है, तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, उस पर ना अपनी सारी डिटेल सेंड कर देनी है, जैसे कि आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। और सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रेफरल कोड, उसे आपको खाली छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप स्कूल में करना चाहते हैं या कंपिटिटिव एग्जाम, तो आपको कंपिटिटिव एग्जाम पे क्लिक कर देना है और आप धुरीना एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस में एंटर हो जाओगे। धुरीना एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस में एंटर होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो विपिन सर का कोर्स बाय करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में बिहार एग्जाम्स पे आ जाना है। जैसे आप बिहार एग्जाम्स पे आ जाओगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हो बाय विपिन यादव मैथ्स फाउंडेशन बैच जो 599 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। इसे बाय करने के लिए सिंपली आपको बाय के आइकन पे टैप कर देना है और आपको पे कर देना है। जैसे आप पे कर दोगे ये रिडायरेक्ट करेगा आपको हमारे पेमेंट गेटवे पे। तो आप देख सकते हैं इसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया हमारे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ से आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी जा रही है, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नीचे आपको डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई और अदर ईएमआई ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे करके मेक पेमेंट कर देते हो आपका जो कोर्स है वो बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आप कोर्स को कैसे देख सकते हो, कोर्स को आपको देखने के लिए सिंपली क्या करना है, धुरीना एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे आपको जो ऊपर तीन लाइनें दिखाई दे रही है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तीन लाइनों पे क्लिक करने के बाद में माई कोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। माई कोर्स का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल के नीचे आपको सारे आपके ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। थैंक यू।